भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। और भैया, हमारे हिंदुस्तान में एक ठो कल्चर है, कल्चर ये है कि नेता, पब्लिक और अधिकारी ये तब जागते हैं जब कोई घटना हो जाता है, उसके पहले सोए रहते हैं। जब कोई घटना हो जाता है तब अधिकारी जागते हैं और जायजा लेने आते हैं। जब कोई घटना हो जाता है तो क्षेत्र के नेता और विधायक और सांसद जागते हैं और आते हैं और बढ़ के बढ़ की बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि क्षेत्रवासियों में ढाढ़स बढ़ाते हुए। लेकिन एक सवाल है कि घटना के पहले नेता और अधिकारी, और खुद मैं कहूँ कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ, पब्लिक क्यों नहीं जागती है? और आज मैं आप सबको इस कल्चर का एक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दूंगा। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक घटना घटी, एक ट्रैक्टर ड्राइवर के वजह से लगभग 20 लोगों से ज़्यादा की जान चली गई। वह व्यक्ति शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहा था, मंदिर से लोग आ रहे थे, एक व्यक्ति की गलती से जान चली गई। लेकिन ट्रैक्टर तो भैया कृषि कार्य हेतु होता है, लेकिन सरकार तब ये फरमान जारी करती है जब घटना हो जाता है, जब 26 लोग की जान चली जाती है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहीं की मैं बात कर लूं तो बीते 2 से 3 महीना पहले यहीं कुशीनगर के नौरंगिया में एक घटना घटी। कुएं में मटकोड़ का कार्यक्रम था, हल्दी रसम का कार्यक्रम था, और उस रसम कार्यक्रम के दौरान गाँव के इनार में 13 बच्चियों की जान चली गई। उसके बाद अधिकारी जगे, उसके बाद नेता जगे, उसके बाद प्रशासन जगा, और उसके बाद खुद लोग जगे। लेकिन मेरा सवाल है, घटना से पहले अगर नेता, अधिकारी और खुद हम सब जग जाए तो हो सकता है घटना ना हो। अब ये देख लीजिए, ये इंतजार कर रहा है जगह कि कोई इधर से जाएगा और गिर के इसी बड़ी जो है नदी में मर जाएगा। ये पनियावा का पुल है, उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर है और यूपी बिहार को जोड़ता है। एक तरह से कहें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आती हैं, रात भर ये रोड चलता है। और ये देख लीजिए, मैं 10 से 15 दिनों से लगातार देख रहा था, इसकी हालत ऐसा है। और भैया, न नेता को परवाह है यहाँ के, न यहाँ के अधिकारियों को परवाह है। परवाह जानते हैं कब होगा? जब इसमें से कोई डूब के मर जाएगा, तब नेताजी आएंगे बड़का बड़का कुर्ता पहन के, ऐसे देखेंगे और कहेंगे हम जायजा कर रहे हैं और जो भी हो सकेगा यथासंभव लोगों की मदद करेंगे। तो कहना ये है नेताजी और कहना ये है अधिकारी जी कि मदद पहले ही कर देते, भाई पुल का जो डिवाइडर है बन जाता तो हो सकता है 1-2 दिन में कुछ बड़ी घटना वाले हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ बड़ी घटना होने वाली हो, और हो सकता है कि 2-4 दर्जनों लोग की जान चली जाए अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो। ऊपर वाला कभी ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन घटना से पहले क्यों नहीं जागते हैं नेता, अधिकारी? मेरा एक सवाल है। ये पनियावा का पुल है, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है, 15 दिन से इसकी हालत ऐसी है और कोई राही और कोई अच्छे व्यक्ति ने इस पर जो है भैया बांस का बल्ली लगा दिया है। अब सोच लीजिए, कोई गाड़ी आए गलती से रात में, ताकि ये रोड है यूपी बिहार को भी जोड़ता है, कोई नशे में व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और गलती से इधर घुमा दे तो सीधे तो भैया स्वर्ग का रास्ता देख लेगा। उसके बाद नेताजी आएंगे, नेताजी का पेपर में फोटो फंस जाएगा और उनका काम हो जाएगा। नेताजी और अधिकारी जी, आप लोग से ये कहना है कि पहले जाग जाइए महाराज, कल्चर को छोड़िए, पुराना कल्चर, घटना के बाद कहाँ जगते हैं, घटना के पहले जगिए। गांव वाले रिपोर्टर आपको जो है ये दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाइए। अरे आप लोग महान आदमी हैं तो ये महान काम कीजिए और जल्दी से जो है इसको बनवा दीजिए। तो भैया, पनियावा पुल के रास्ते गुजर रहे थे हम लोग, हम देखे, नजर गई, ताकि 15 दिन पहले मैं आया था तो भी इसकी हालत ऐसी थी, तो मुझे लगा 2-4 दिन में बन जाएगा। अभी भी हालत इसकी ऐसी है कि भैया अब क्या इंतजार हो रहा है, किसी की कहानी खत्म होगी तब ये बनेगा? इस बात का इंतजार रहेगा कि नेताजी लोग, अधिकारी जी लोग जल्द से जल्द इस पुल का जो डिवाइडर है, ताकि बहुत बड़ी घटना हो सकती है। गाँव वाले रिपोर्टर देखते रहिए भैया, विष्णु प्रभाकर पर प्यार बनाए रखिए। सबको मेरा नमस्कार।